हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है कढ़ाई अंडा कड़ी की रेसिपी। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए कढ़ाई अंडा कड़ी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं बॉईल किए हुए अंडे, जिसके मैंने छिलके अच्छे से उतार लिए हैं और आगे चाकू की मदद से थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं सीधे सीधे थोड़ा सा कट लगा ले रही हूँ, जिससे जो मसाले हैं अंडे के भीतर भी बहुत अच्छे तरीके से चले जाएंगे। तो इस तरह से सभी अंडों पे कट लगा लेना है। गाइज, आगे मैंने कुछ सब्जियों को कट करके रखा है, तो यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, जिसे मैंने इस तरह से काटा है और इस तरह से उसकी पनखुरियों को मैंने अलग कर लिया है। आगे है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को दोस्तों इस तरह से काट लेना है। आगे ली हूँ टमाटर, तो टमाटर को गाइज इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट ली हूँ। साथ ही ली हूँ हरी मिर्च, जिसे मैंने मिडल से कट लगा लिया है। और आगे अब हम लेंगे कढ़ाही, कढ़ाही को गर्म कर ली हूँ दोस्तों और गैस को कर ली हूँ लो फ्लेम में। अब इसमें हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धनिया, साथ ही इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। आगे इसमें हम मिला रहे हैं जायत्री, साथ ही इसमें मिला रहे हैं सूखी लाल मिर्च, जीरा और तेज पत्ता। गाइज, इन मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए हमें भुनना है। तो गाइज, मसाले भुनने पर इस पे अलग सा एक स्मेल आता है, जिससे पता चल जाता है कि मसाले पक गए हैं। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे तो ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। तो गाइज, मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं, तो चलिए इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो गाइज, मसालों को मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो गाइज, मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो हम इसे दरदरा जो है कूट लेंगे। तो कूटने के लिए मैं इसे ओखली में डाल ले रही हूँ और इन सभी मसालों को हमें दरदरा जो है कूट लेना है। तो गाइस, इस तरह का जो है मसाला हमें कूट कर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। आगे के स्टेप में मैंने लिया है कढ़ाही, कढ़ाही को अच्छे से गर्म कर ली हूँ दोस्तों और कुटे हुए मसालों को इसमें ऐड कर ली हूँ। आगे इसमें हम ऐड करें कुकिंग ऑयल, ऑयल को डालकर इसे हम चला लेंगे। और अब इसमें हम फ्राई करने के लिए बॉईल किए हुए अंडे को ऐड कर लेंगे। इसमें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो गाइज, इसे हम ढककर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लेंगे। तो चलिए लीड खोलकर देखते हैं, तो ये अच्छे से देखिए गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो गई है। तो चलिए अब इसे हम एक बार चला लेते हैं। और आगे इसमें हम ऐड कर रहे हैं कटे हुए टमाटर, टमाटर को डालकर चला लेना है और टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है। तो इसे ढक दे रही हूँ। तो गाइस, लीड खोलकर देखी हूँ तो टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे एक बार चला ली। आगे इसमें हम ऐड कर रहे हैं लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट। तो गाइस, इन मसालों को डालकर हम इसे चला लेंगे। आगे अब इसमें मैं ऐड कर लेने जा रही हूँ धनिया पाउडर, साथ ही इसमें मिला लेंगे जीरा पाउडर और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। और आगे अब इसमें हम ऐड कर ले रहे हैं हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर को डालकर इसे चला लेना है। आगे इसमें हम ऐड कर रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और आगे अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ प्याज। प्याज
प्याज को ऐड करके इसे चला लेना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ दोस्तों। अब आगे अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल ले। नमक को डालकर इसे अच्छे से चला लेना है और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च। आगे इसमें हम ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च। इन सभी चीजों को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसे हम ढकेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों आपको जरूरत पड़े तो बीच में हल्का सा पानी ऐड करते हुए भी इसे चलाते रहके हुए पकाते रहना है। तो इस मसालों को मैंने अच्छे से पका लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी जो है ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। तो आगे अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं गरम मसाला। गरम मसाला को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गाइस मिक्स करने के बाद मैंने इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो ये तैयार हो गई है। आगे इसमें हम धनिया पत्ता डालकर गार्निशिंग दे देंगे। और अब इसे हम चला लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो तैयार है कढ़ाई अंडा कढ़ी की रेसिपी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसी ही इजी और अमेजिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।